सीतामढ़ी में शराब माफिया से एनकाउंटर में दारोगा शहीद हो जाते हैं और बिहार सरकार के मंत्रियों पर इसका कोई असर नहीं होता। मानो शर्म की चादर ओढ़कर ऐसे बयान देते हैं कि कोई मामूली बात हो, किसी के मरने से क्या होता है। लेकिन यह मसला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। शराब माफिया ने की दारोगा की हत्या, सीतामढ़ी वारदात पर मंत्री का बेशर्म बयान, विपक्ष ने फिर उठाया शराबबंदी का मुद्दा। सीतामढ़ी में शराब तस्करों की हिमाकत की गूंज पटना में सुनाई दे रही है। शराब तस्करों की गोली से एक दारोगा की जान चली गई, लेकिन इस जान की कोई कीमत मंत्रियों की नजर में नहीं है। बोल इतने बेशर्म हैं कि क्या कहा जाए। आप याद कीजिए, आप याद कीजिए अमेरिका के पार्लियामेंट में गोली चली तो अपराध कहां नहीं करते लोग, अपराधी लोग पकड़े जाएंगे, उसकी कार्रवाई होगी। पुलिस कर्मियों पर भी गोली चला। अच्छा, 250 साल पहले सीआरपीसी का निर्माण हुआ, ब्रिटेन में जेल खाली है क्या? मनुष्य का स्वभाव है, परिवार में भी झगड़े होते हैं। जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी दोषी हैं इसके लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह के जो रिएक्शन आते हैं, इसलिए कि पुलिस की जो और एक्साइज विभाग की कड़ी कार्रवाई हो रही है चारों बगल, इस वजह से इस तरह के बातें आती हैं। लेकिन हम लोग इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है और जो भी कार्रवाइयां करनी है आगे, हम निश्चित रूप से करेंगे। एक मंत्री की नजर में सीतामढ़ी की वारदात कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुलिस वाले से मंत्री बने सुनील कुमार कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है कि कानून व्यवस्था कहाँ है, तो बीजेपी को लगता है कि जो भी दोषी होंगे कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं कर रही है, शराब तो आ ही रहा है। हम अपीलों के चैनल के माध्यम से शराब की खेती भी अब देख ली है। शराब की जिस तरह से खेती होती है, कहीं न कहीं जो नीतीश कुमार जी का लॉ एंड ऑर्डर है, कहीं न कहीं फिसडी है। वैसे तो शराबबंदी काफी बिहार में सफल है और सरकार का लगातार प्रयास जारी है। आज की घटना जानकारी आपने दी है जाकर के, निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी, अपराधी बच नहीं सकेंगे। एक बात तो है, सीतामढ़ी में जो एनकाउंटर हुआ उससे यही लगता है कि शराब माफिया का मनोबल बढ़ा हुआ है। तस्करी का खेल बिहार में जिस बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है, वो बात किसी से छुपी नहीं है। धरपकड़ भी खूब हो रही है, उधर सियासत भी गरमाई हुई है। बुधवार की इस वारदात की गूंज अब सदन में भी सुनाई देगी। संभव है विपक्ष एक बार फिर से शराबबंदी का मसला उठाए। भूपेंद्र, जी मीडिया, पटना।